हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो अभी जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है कुंभ राशि वालों के लिए। देखेंगे कुंभ यानी कि एक्यूरस राशि वालों के लिए 7 से 13 मई तक क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल उनकी लाइफ में। पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। इस हफ्ते आप एक्शन के मूड में ज़्यादा नजर आएंगे। काफ़ी सारी चीज़ों पे आप बहुत लंबे समय से सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे थे, एक्शंस लेने से डर रहे थे। लाइक ऐसा था कि करियर में बहुत सारी चीज़ें सिर्फ सोचे जा रहे थे पर स्टेप्स नहीं ले रहे थे, या रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति आपको पसंद था उसके लिए आप इनिशिएट नहीं कर रहे थे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी तो पार्टनर से बात करने से डर रहे थे, घबराहट हो रही थी, लाइक उनका एटीट्यूड या कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन थी। बट इस हफ्ते आपके एक्शंस क्लियर और लाउड होंगे। जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही उसे ठीक करने का प्रयास करते आप नज़र आएंगे। आपके अंदर जो है नॉलेज भी बहुत बढ़ता नज़र आएगा, काफ़ी ज़्यादा बुध जो है आपका बलवान होता नज़र आएगा। इस हफ्ते आप कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ पर आप कुछ सेलिब्रेशंस में बिजी रहेंगे, कुछ गेट टुगेदर्स में ऑक्यूपाइड रहेंगे, सोशल लाइफ बढ़ेगी, फ्रेंड्स के साथ कोई पार्टी वगैरह या फैमिली के साथ कुछ सेलिब्रेट करते नज़र आएंगे। इस हफ्ते कहीं ना कहीं आपके अंदर बैलेंस देखा जाएगा, पॉजिटिविटी देखी जाएगी और कहीं ना कहीं आप अपने कार्य को लेकर भी बहुत एक्साइटेड रहेंगे। काम को बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं करते नज़र आ रहे हैं, चैलेंजेस को बहुत बेहतरीन ढंग से फेस करेंगे। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, फाइनेंसेस में ग्रोथ होगी, कहीं ना कहीं नाम आपका अच्छा होता हुआ, लोगों के बीच में नाम बनता हुआ नज़र आएगा, लोग आपको पसंद करेंगे, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी लविंग केयरिंग एनर्जी बनती नज़र आ रही है आपके अंदर। आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी इस हफ्ते। इस हफ्ते आपकी लाइफ में आपको कोई एक अच्छा ऑफ़र मिल सकता है, ये ऑफ़र जॉब का या लव का हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव ऑफ़र होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ जाए। डे ड्रीमिंग थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे। हाँ, मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि आप एक्शंस ले रहे हैं बट डे ड्रीमिंग और ख्याली पुलाव से थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। इल्यूजन्स कहीं ना कहीं रहेंगे आपके माइंडसेट में, किसी तरीके के बिना वजह के ख्याली पुलाव बनाते नज़र आएंगे आप, ठीक है। बाकी करियर कहूँ, जॉब कहूँ, फाइनेंस कहूँ, समय बेहतरीन है, कर्म पे ध्यान दें, फल तो आपको मिलेगा ही। स्टूडेंट्स के लिए भी कहूँगी बैलेंस सिचुएशन है, समय बहुत बेहतरीन है, जो भी कार्य कर रहे हैं जिसमें भी मेहनत कर रहे हैं रिजल्ट अच्छे होंगे। जॉब के लिए अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। सो अब देख लेते हैं, हेल्थ भी इस बार इस हफ्ते आपकी इम्प्रूवाइज होती नज़र आएगी, हेल्थ भी बहुत अच्छी होती हुई नज़र आएगी इस हफ्ते आपकी। यूनिवर्स मुझे आप बताएं इनकी लव लाइफ, एक्यूरस राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी 7th May to 13th May, एक्यूरस राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी। एस ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्स, हीरोपेंट। एक्यूरस राशि वालों, आप लोग न्यू बिगनिंग तो करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हो और यूनियन भी दिखाई दे रहे हैं, आपके यूनियन होने के चांसेस है बहुत स्ट्रांगली। बट आपके रिलेशनशिप में आप तो बहुत ज़्यादा लव रिसीव करते हुए, प्यार पाते हुए, प्यार बहुत ज़्यादा देते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत रोमांटिक फील करेंगे आप, बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, काफ़ी एक अलग ही अंदाज़ आपके अंदर देखा जाएगा इस हफ्ते, काफ़ी अलग और अनोखा अंदाज़ आपके अंदर होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी जिसमें प्यार आप को कहीं ना कहीं से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपको प्यार में आपके पार्टनर ध्यान ना दें तो दूसरे तीसरे व्यक्ति ज़रूर ध्यान देंगे, आपके अंदर इस लेवल का आकर्षण बढ़ता नज़र आ रहा है। कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होने की वजह से प्लस रोमांटिक स्वभाव होने की वजह से आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। पार्टनर के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए बोल रही हूँ, ये पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बेटर हो सकता है, सिचुएशन संभल सकती है, बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ सकता है आपके मन में। ये नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग होगी। हाँ, इस नई शुरुआत में सिर्फ मुझे छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स दिख रही हैं वो होगा या किसी थर्ड पार्टी का, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके पार्टनर थोड़े से इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, या ये आपके इल्यूजन होंगे, आप किसी तरीके की भ्रमित दुनिया में रहेंगे जिसकी वजह से बिना वजह की धारणाएँ क्रिएट करेंगे पार्टनर को लेकर, थोड़ा सा आपके दिमाग में अलग ही ख्याली पुलाव चलेंगे, जो वो नहीं कर रहे वो आप करते हुए सोचेंगे, इस तरीके की एनर्जी रहेगी। साथ ही साथ हो सकता है कुंभ राशि वालों, साथ ही साथ ये हो सकता है कि टैरो रीडिंग्स या एस्ट्रोलॉजी आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं जिसमें
अनजाने में ही सही आप बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, या तो एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या टैरो रीडिंग में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप बार बार इफेक्ट होता है। पार्टनर सही भी हो तब भी उसके लिए धारणाएं बन जाती हैं, इस तरीके की एनर्जी आपकी बनती नज़र आ रही है। तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या होंगी 7 से 13 मई के लिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। आप दोनों में एक नई शुरुआत तो हो सकती है, लेकिन पार्टनर का बर्ताव थोड़ा सा अटपटा रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर रहेगा उनकी तरफ से, आपको देखने को मिल सकता है। उनके बर्ताव में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, काफ़ी गंभीर तरीके से सोच विचार करते नज़र आ रहे हैं। आपसे किसी प्रकार की नाराज़गी नज़र आ रही है, ये आपसे किसी प्रकार की नाराज़गी को महसूस करते नज़र आएंगे। ये कहीं ना कहीं इस रिश्ते का बर्डन नहीं फील कर, ये बर्डन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ऐसा लग रहा है ये बार बार खुद को प्रूव करते करते थक गए हैं, या इस रिश्ते को निभाते निभाते थक गए हैं। इस रिलेशनशिप में ये काफ़ी ज़्यादा लो फील करते नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर किसी तरीके से आपके प्यार को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए और आप फिर से कोई टॉक्सिक गलतियाँ करें। आपके पार्टनर आपके सामने दिखेंगे कॉम्प्रोमाइज़ करते, एडजस्ट करते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बर्ताव में ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो इस रिश्ते से थक चुके हैं। एक एक्शन की कमी है, लाउड एंड क्लियर एक्शंस आपके ज़्यादा हैं, आपके पार्टनर एक्शंस नहीं दे रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि वो रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। इस रिश्ते में उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। आपके साथ अप्रोच है, यहाँ पर ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि आपसे बात नहीं कर रहे, आपके साथ बात कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी ठंडा बिहेवियर है, एटीट्यूड काफ़ी है इनके अंदर, और बर्ताव में ऐसी एनर्जी है जहाँ पर दिखा रहे हैं कि नॉर्मल है सब कुछ, पर अंदर ही अंदर थोड़े से परेशान हैं और इस रिश्ते से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं या दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको लेकर एक बोलते हैं ना कि ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक ट्रस्ट इशूज़ है उनको, उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी आपकी तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके ओवर थिंकिंग से या दूसरों से इन्फ्लुएंस होने से थोड़े से परेशान हैं। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो आपको सफाई नहीं देना चाहते। हो सकता है आपके पार्टनर गलत हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय उनके थॉट्स में ऐसे हैं जहाँ पर वो डर रहे हैं कि कहीं आप फिर से उनकी उनको हर्ट ना करें, या आप उनको कुछ ऐसा फील ना कराएं जिससे टॉक्सिक एनर्जी ना दे दें। डरते घबराते नज़र आ रहे हैं, आपसे बात नॉर्मल करेंगे, लेकिन काफ़ी ठंडा बर्ताव होगा इनका, बर्ताव इतना लाउड और क्लियर नहीं होगा, आप काफ़ी रोमांटिक एनर्जी में नज़र आएंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं जो मैरिड लोग हैं एक्यूरस राशि वाले, उनकी एनर्जीज बताएं मैरिड एक्यूरस राशि वालों के लिए, मैरिड पति पत्नी के लिए मुझे बताएं 7 मई टू 13 मई क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। मैरिड लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत एक्सप्रेसिव या लवेबल रह सकते हैं, ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आपके पार्टनर आपके प्रति एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, लव महसूस कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शक बहुत करेंगे, या आप उन पे बहुत शक करेंगे या वो आप पे शक करेंगे। अथॉरिटेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है आप लोगों की रिलेशनशिप में ईगो क्लैश हो रहा है बहुत ज़्यादा। आप दोनों के बीच में इंटिमेसी, रोमांस, लव कहीं ना कहीं मिसिंग है, ऐसा लग रहा है वैनिश हो रहा है प्यार, प्यार कहीं ना कहीं गायब हो रहा है, धुंधला पड़ रहा है। नाराज़गी, ईगो, एक दूसरे पे शक करना, एक दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की एनर्जी है। आप जहाँ पर खुद साबित करते करते थक रहे हैं कि नहीं यार और क्या साबित करूँ और कैसे प्रूफ करूँ प्यार को। आप दोनों में वाइस एंड वर्सा एनर्जी हो सकती है, हो सकता है आपके पार्टनर इस बात से परेशान हो कि भाई कितना प्यार एक्सप्रेस करे और आप जो है उन पे शक करते नज़र आएँ। एक दूसरे का शक, मिसअंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी बन रही है जहाँ पर दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ और थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस इस हफ्ते देखे जाएंगे। एक्यूरस राशि वालों के लिए यूनिवर्स मुझे बताएं डिवाइन गाइडेंस क्या है 7 मई टू 13 मई। द एम्प्रेस, द हर्मिट, आप अपनी लाइफ की नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है, या तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में।
आप नेगेटिव ज़्यादा सोचेंगे अपनी लाइफ में नेगेटिव प्राप्त करेंगे। आपके अंदर की सैडनेस को पीछे छोड़ अपनी अट्रैक्शन पे ज़्यादा ध्यान दो। आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपके अंदर वो ऑरा है जहाँ पे अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं और खुश रहते हैं तो लोग आपके इर्द गिर्द जो है आपसे आकर्षित हो जाते हैं, वो चाहे आपके पार्टनर क्यों ना हो। आप बहुत आसानी से अट्रैक्शन जो है खींच लेते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी है आपके अंदर। अपने ऑरा पे, अपने आप पे बिलीव करना सीखें, अपने आप में विश्वास रखें, कॉन्फिडेंट रहें, पॉजिटिव रहें। आपको जो भी चाहिए वो आपको हासिल ज़रूर होगा, ग्रोथ हासिल होगी अगर आप इस एनर्जी में एम्प्रेस या किंग की एनर्जी में आते हैं तो। सैडनेस से आप कहीं भी जीत नहीं पाएंगे और कोई किनारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी नए व्यक्ति से शादी की आ सकती है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में और ज़्यादा प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अगर आप लोगों को ब्रेसलेट रिलेटेड या मेरे दूसरे चैनल रिलेटेड जानकारी चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के ठीक नीचे मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।